स्वागत आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी में। आज हम देखने जा रहे हैं एक जापानीज मूवी जिसका नाम है माय गर्लफ्रेंड इज अ सीरियल किलर। कहानी की शुरुआत होती है एत्सुरो कुरोसू से, जो कि बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड है। खुद को मारने की भी कोशिश करता है पर किस्मत साथ नहीं देती और वॉल भी टूट जाती है। और वॉल के अंदर इसको एक होल दिखता है और ये उसमें झांकता है तो इसे पड़ोस में एक बहुत ही सुंदर सी लड़की दिखती है। इस लड़की का नाम रियो मियाची है और कुरोसू अब इसको देखने लगता है। अब देखते देखते सही से व्यू ना मिलने पर ये उसके घर पहुंच जाता है और उसके घर में झांकने की कोशिश करता है। तभी नीचे इसे एक और लड़की दिखती है। कुरोसू इसे देखकर सफाई का नाटक करने लग जाता है। ये लड़की नीचे रूम के बाहर अपने भाई के लिए खाना रखकर चली जाती है। अब कुरोसू बेरोजगार है और इसको भूख भी लगी हुई है क्योंकि इसने काफ़ी टाइम से कुछ खाया नहीं है, इसलिए ये खाना चुरा कर खाने लगता है। और ऊपर से रियो इसको देख रही होती है और यहाँ पर ये देख के इसको डर जाता है। और फिर रियो अपने बारे में इसको बताती है और इसको अपने साथ खाने के लिए इनवाइट करती है। कुरोसू इसके घर जाता है और वहीं हॉल भी देखता है वो। रियो फिर खाना लेकर आती है और कुरोसू बहुत दिनों से भूखा है इसलिए बहुत सारा खाना खाता है और काफ़ी तारीफ करता है। रियो इसे देखकर समझ जाती है और अपने साथ खाने के लिए रात को भी इनवाइट करती है। अब कुरोसू खुशी खुशी रूम में वापस आ जाता है और रियो को देखता रहता है। कुछ दिन ऐसा चलता है। एक दिन कुरोसू कहता है कि तुम मुझसे परेशान तो नहीं होती, मैं बेरोजगार हूँ और रोज खाना खाने के लिए तुम्हारे घर पर आ जाता हूँ। रियो हंस के कहती है कि नहीं, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ भी रह सकते हो। अब कुरोसू को यह सब देखकर रियो से प्यार होने लगता है और वो डिसाइड करता है कि अब उस हॉल से रियो को नहीं देखेगा। पर इससे कंट्रोल नहीं होता, वो फिर से उस हॉल में देखने लग जाता है और रियो एक अजनबी के साथ रूम में आती है। कुरोसू को लगता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड होगा पर अगले ही पल रियो उसको निपटा देती है। अब ये देख के कुरोसू की पैंट गीली हो जाती है और वो दीवार को धक्का मारता है जिसकी वजह से बुक्स गिरती हैं और हॉल ब्लॉक हो जाता है। अब ये सोचने लगता है कि मासूम रियो ऐसा कैसे कर सकती है। तब इसका डोरबेल बजता है और रियो बाहर डिनर लेकर आई होती है इसके साथ खाने के लिए। खाते हुए रियो इससे कहती है कि अलोन फील मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बाद में कुरोसू बुक्स को हटा देता है और फिर से रियो को झांकने लग जाता है और वो सोचता है कि जो भी उसने देखा था कल वो सब हो सकता है इसका वहम हो, वैसा कुछ ना हुआ हो, क्योंकि रियो तो काफी सुंदर लड़की है, वो किसी को कैसे मार सकती है। और तब इसको बाहर एक और लड़की दिखती है। इस लड़की का नाम रायना है और कुरोसू अब रियो के बारे में सोचने लगता है। अगले दिन कुरोसू कपड़े धोने जा रहा होता है। रियो उसे रोककर अपनी वॉशिंग मशीन ऑफर करती है कि तुम मेरे यहाँ धो सकते हो और रात को हम खाना भी साथ में ही खाएंगे। कुरोसू को वाली बात याद आती है और डर जाता है पर फिर सोचता है कि नहीं, रियो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत ही मासूम लड़की है। वो रात को रूम में कैंडल लगाता है तभी इसे आवाज़ आती है और वो रियो के घर में फिर से झांकता है तो आज रियो ने फिर से वैसे ही एक और पर्सन को निपटा दिया है। पर इस बार कुरोसू समझ जाता है कि ये जो हो रहा है वो सच है। ये डर के चिल्ला देता है और रियो इस पर अटैक कर देती है और ये भागता है और छत पर जाकर फंस जाता है। रियो इसके पास चाकू लेकर आती है और कुरोसू इसको सारी बातें बता देता है हॉल के बारे में और ये भी बताता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसे लगता है कि रियो अब इसको भी निपटाने वाली है। रियो इसे लास्ट विश पूछती है। कुरोसू इसे डेट करना चाहता है। रियो खुश हो जाती है और इसको किस करती है और अगले दिन दोनों कपल बनकर डेट पर जाते हैं। कुरोसू को अब जॉब भी मिल गई है पर उसे अभी भी हमेशा रियो की वो सारी बातें याद आती रहती हैं। कुरोसू जब काम करके घर आता है तो रियो उसे हॉल में से ही वेलकम करती है। अगले दिन रियो इसको अपने कॉलेज लेकर जाती है और सबसे अपना बॉयफ्रेंड कहकर मिलवाती है इसको। ये देखकर कुरोसू काफ़ी खुश होता है क्योंकि अब तक इसका इस दुनिया में कोई नहीं था। कुरोसू भी इसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है क्योंकि वो रियो की सुरक्षा करना चाहता है बाकी सारे लड़कों से। पर रियो इसे कहती है कि मैं एक किलर हूँ। अब कुरोसू इसे पूछता है कि ये कब तक चलेगा। रियो कुछ जवाब नहीं देती और बाहर फिर से लोगों को निपटाना शुरू कर देती है। अब ये सब देख के कुरोसू इससे काफ़ी परेशान हो जाता है और पूछता है कि वो ऐसा क्यों करती है। रियो बताती है कि ये सब बुरे लोग हैं और इन्हें मारना मेरा काम है। अब ये देखकर कुरोसू काफी खुश होता है और रियो से और भी ज्यादा प्यार करने लगता है। कुरोसू न्यूज़पेपर चेक करता है पर उसमें एक भी मर्डर की रिपोर्ट नहीं होती जितने लोगों को रियो ने मारा होता है और ये काफी अजीब बात है। वही एक दिन कुरोसू एक कावासाकी नाम के लड़के से भी मिलता है और ये वही लड़का है जिसकी बहन शुरू में इसके लिए खाना रख कर गई थी। वही इसकी बहन से भी मिलता है और इस लड़की का नाम हारुको है। रात को कुरोसू घर आता है और बहुत ही खुशी खुशी रियो के घर में झांकता है पर वो इसे नहीं दिखती और वहां पर एक नोट लिखा है कि मुझसे 10 बजे मिलना। कुरोसू मस्त नहा धोकर उसका वेट कर रहा होता है। 10 बजे रियो के रूम से कुछ आवाजें आने लगती हैं। जब वो झांक कर देखता है तो उसके रूम में कावासाकी को रियो ने बांध कर रखा है। कुरोसू चिल्लाने लग जाता है और रियो कावासाकी को भी निपटा देती है और फिर वही शुरू वाली लड़की रायना आती है यहाँ पर एक टीम लेकर और ये लोग पूरे रूम को साफ करते हैं।
वहीं कुरोसू आ जाता है और रायना से पूछता है कि ये सब क्यों करते हो। रायना इसे कावासाकी के रूम में लेकर जाती है, जहां पता चलता है कि कावासाकी बिल्लियों को मारा करता था बहुत ही बेरहमी से, और वो ये मौत डिजर्व करता था। अब कुरोसू आकर चुपचाप सो जाता है। अगली सुबह उसके घर रियो आती है और रियो से रूढ़ होकर बातें करता है, जिससे रियो यहाँ से चली जाती है। बाद में कुरोसू हारुको से मिलता है। हारुको बेचारी अपने भाई को ढूंढने में लगी हुई है। वहीं रियो भी आ जाती है और हारुको को अपने रूम में बुलाती है, पर कुरोसू डर जाता है कि कहीं इसको भी ना मार दे, इसलिए ये हारुको को यहाँ से भगा देता है और रियो से कहता है कि क्या तुम हारुको को भी मारोगी। रियो कहती है कि नहीं। अगले दिन हारुको कुरोसू को कॉफ़ी शॉप में बुलाती है अपने भाई के बारे में बात करने के लिए। जब ये मिलने जा रहा होता है, तभी कुछ लोग इसको वैन में आकर उठा लेते हैं और ये रायना होती है और इसको धमकी देती है कि हारुको को कुछ भी ना बताए कावासाकी के बारे में, कि उसके साथ क्या हुआ है। कुरोसू अब हारुको से मिलता है। यहाँ हारुको बताती है कि इसने पुलिस कंप्लेंट भी कर दी है, क्योंकि कावासाकी काफ़ी दिनों से घर नहीं लौटा है। ये फिर कावासाकी के घर जाकर लैंडलॉर्ड से दरवाज़ा खुलवाते हैं। कुरोसू डरा हुआ है कि पूरे घर में ब्लड और बिल्लियाँ दिखेंगी, पर घर बिल्कुल ही साफ सुथरा होता है, कुछ भी सबूत नहीं मिलता। इसके बाद कुरोसू हारुको बातें करते हैं, घूमते हैं और घर जाते हुए कुरोसू रियो को एक लड़के के साथ देखता है और घर आकर उस लड़के के बारे में पूछता है। रियो इससे हारुको से दूर रहने को कहती है। दोनों में लड़ाई हो जाती है। कुरोसू इसे किस करने की कोशिश करता है, पर रियो इसे नेक पर चॉपस्टिक लगाकर इसको डरा देती है। अब कुरोसू फिर हारुको से मिलने जाता है। हारुको इसे रियो से ब्रेकअप करके अपने साथ आने को कहती है और ये इसके जवाब का कल तक इंतजार करेगी। घर जाते टाइम कुरोसू को गुंडे किडनैप कर लेते हैं और इसे खूब मारते पीटते हैं और फिर घर भेज देते हैं। घर जाकर कुरोसू और रियो की खूब लड़ाई होती है। कुरोसू इसे ये काम करने से मना करता है, पर रियो लोगों को मारना बंद नहीं करेगी। अब दोनों का ब्रेकअप भी हो जाता है, पर कुरोसू रियो को अभी भी हॉल से देखना नहीं छोड़ता, उसको देखता रहता है। और वैसे ही रियो बहुत सारे लोगों को निपटा रही होती है, पर अब लोगों को मारने के बाद वो हंसने की बजाय रोने लगती है। कुरोसू समझ जाता है कि रियो से ये सब वो गुंडे करवा रहे हैं और ये उन्हें मारने जाता है। चाकू से अटैक करता है इनके ऊपर, पर ये फाइटिंग में बहुत ज़्यादा नूब है, इसलिए कुछ कर नहीं पाता है और गुंडे इसको बहुत मारते हैं। और जैसे ख़त्म करने वाले होते हैं, यहाँ पर रियो स्मोक करके सबको निपटा देती है और कुरोसू को बचा लेती है। कुरोसू इसे पूछता है कि तुम अब लोगों को मारने के बाद हंसती क्यों नहीं हो। ये बताती है कि अब ये करने में मज़ा नहीं आता और दोनों यहाँ पर किस करते हैं। सब कुछ सही हो जाता है, पर रियो कुरोसू के पेट में चाकू डाल देती है और हंसते हुए कहती है कि मुझे अपने प्यार को मरते हुए देखना काफ़ी पसंद है, और फिर इसे आई लव यू भी बोलती है। फिर हम देखते हैं कुछ दिन बाद का सीन। अब रियो रायना से मिली है और इसने ये काम छोड़ दिया है और अब ये सिटी छोड़कर भी जा रही है। और यहाँ पर वहीं कुरोसू भी आता है जो कि घायल है, और तब पता चलता है कि रियो ने इसको मारा नहीं था। दोनों अब दूसरी सिटी में जा रहे हैं। रियो कुरोसू से ये भी प्रॉमिस करती है कि वो अब ये काम छोड़ देगी। और मूवी के एंड में हमें ये दोनों दूसरी सिटी में जाते हुए दिखाई देते हैं और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर दो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।